सो अभी का जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा गया है कि एक वेब पेज बना, अ पेज कंटेनिंग द स्टूडेंट डिटेल। अब यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है यार, क्रिएट अ वेब पेज कंटेनिंग स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप क्लास बनाओ और क्लास के अंदर डाल दो, या फिर ईनम, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन ईजीली, ये भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आगे लिखे एंड शो द रिजल्ट इन ड्रॉप, शो द रिजल्ट इन डेटा बाइंडिंग एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। अभी डेटा बाइंडिंग बोल दिया तो यार थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार, डेटा बाइंडिंग कैसे हो सकता है? डेटा बाइंडिंग तो करना ही पड़ता है, विदाउट डेटा बाइंडिंग हम लोग काम नहीं कर सकते। सो कैसा करेंगे, मतलब दिस कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। डेटा बेस रहता तो डायरेक्टली काम हो जाता है, लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग को डेटा सेट के अंदर हम लोग को खुद का डेटा सेट बनाना पड़ेगा, और कोई XML फाइल नहीं, हम लोग को खुद टेबल बनाना पड़ेगा। सो यार इसको ज़रा सा ध्यान में रखते हैं, क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास, फोन एंड ईमेल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके कस्टम डेटा सेट बोल देता हूँ इसको। ओके पहला तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो डेटा सेट बन के आ जाएगा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर रहेंगे। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, क्योंकि डेटा सेट उसके अंदर से ही आता है। ओके डेटा सेट, कस्टम डेटा सेट, क्या नाम था, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डेटा सेट इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। अब इस डेटा सेट के अंदर मैं एक टेबल ऐड करना चाहता हूँ, तो ओके सो मैं बोलता हूँ कि स्टूड नाम का जो डेटा सेट है इसके अंदर ऐड कर भाई टेबल, तो टेबल्स डॉट ऐड, एक टेबल ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ अ डेटा टेबल। सो यहाँ पे लिखता हूँ न्यू डेटा टेबल। ओके इज आस्किंग मी फॉर द टेबल नेम, बोलता हूँ स्टूडेंट। ओके नाउ आई हैव एडेड अ टेबल इनसाइड इट, देन अभी मैं स्टूड डेटा सेट के अंदर ऐड करता हूँ टेबल्स के अंदर रो, तो टेबल्स के अंदर रो ऐड करना है क्या, कॉलम्स ऐड करने हैं, पहले तो कॉलम्स ऐड करना पड़ेगा ना, डॉट कॉलम्स। अभी यार टेबल कौन सा है, टेबल्स तो है लेकिन बहुत सारे टेबल्स के अंदर कौन सा टेबल है, स्टूडेंट जो अभी ऐड किया था ना, स्टूडेंट राइट, उसके अंदर कॉलम्स को ऐड करना है, तो पहला कौन सा कॉलम है, तो बोल रहा है कि एक डेटा कॉलम है, न्यू डेटा कॉलम। ओके यू कैन सी द कंस्ट्रक्टर, डेटा टाइप भी आप प्रोवाइड कर सकते हो इसके अंदर, तो पहला क्या है, रोल नंबर है राइट, एंड देन दैट इज़ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ओके आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे रैपर क्लास यूज़ होता है क्या, मेरे को लग रहा है रैपर क्लास यूज़ होएगा। डेटा टाइप टाइप में देना चाहिए, तो डेटा टाइप टाइप डॉट ऐसा नहीं चलेगा, ये इसको ऐसा देना पड़ेगा, टाइप इंट, टाइप को डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लीव इट, टाइप देते ही नहीं है उसको, उसको बाय डिफॉल्ट जो लेना है ले लेगा, लेकिन टाइप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके इन जावा यू हैव टू स्पेसिफाई अ टाइप यूजिंग अ रैपर क्लास, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा है। ओके सो यहाँ पे लेट्स हैव अ न्यू टाइप, टाइप इज अ क्लास राइट, सो यहाँ पे एंटर लेता है क्या, ना, होप सो देयर मेट बी डिफरेंट सिंटैक्स फॉर इट, कुछ गलती कर रहा हूँ, बट नो वरीज देयर। ओके सो रोल नंबर इज देयर, अभी दूसरा क्या चीज़ मांगता है,
नेम क्लास फोन ईमेल। नेम क्लास ईमेल। सो यहाँ तक ये काम हो गया। अभी तो कॉलम्स ऐड हुए, अभी कॉलम ऐड हो जाने के बाद एक रो ऐड करना है। तो चलो टेबल्स के अंदर क्या ऐड कर, रो ऐड कर। तो अगर रो ऐड करना है तो पहला रो बनाना पड़ेगा ना। सो लेट्स सी, पहला तो कि रो ऐड करते वक्त हम लोग को कौन सा क्लास चाहिए। तो यहाँ पे रोज है तो न्यू रो बोल दिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर न्यू रो तो रिटर्न क्या करता है, डेटा रो। तो अभी मेरे को डेटा रो चाहिए। ओके, डेटा रो डी आर इज इक्वल्स टू ओके, लेट्स ऐड न्यू रो। सो न्यू रो का बन गया डेटा रो। अभी डेटा रो के अंदर मेरे को कॉलम्स के अंदर डेटा डालना है। तो कॉलम का नाम तो आपको पता है कि रोल नंबर में क्या डालना है, कैसा डालना है। तो यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई इट हियर। ओके, रोल नंबर है 1, आई कैन गिव इट इन स्ट्रिंग, दैट विल बी नो प्रॉब्लम। 3, 4, 5 एंड 6, दिस विल बी अ नेम। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे 1 भी डाल सकते हो। यार कंटाल आ जाता है बार बार वो नाम लिखने के लिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे डालोगे 4, नहीं यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। सो यहाँ पे आएगा सैम, जो है आईटी में। देन फ़ोन नंबर है कुछ ऐसा और ईमेल है कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज़ अ 1 रो। सो 1 रो इज़ क्रिएटेड। नाउ लेट्स ऐड इट इनटू द डेटा सेट। तो डेटा सेट के अंदर टेबल्स है, उस टेबल्स के अंदर मुझे रो ऐड करना है। तो रोज के अंदर ऐड करो एक रो, दैट इज़ डेटा रो विच यू हैव क्रिएटेड डी आर। हैप्पी। सो ऐसा करके आपने एक चीज़ डाल दिया। ऐसा और भी चीज़ें डालने का रहेगा तो नो वरी इज़ देयर, कॉपी इट, पेस्ट इट अगेन। ओके, इट इज़ गोइंग टू गिव मी एन एरर। तो बोलता है कि यार नया रो बनाने का है, तो री इनिशलाइज करो, कुछ फ़र्क नहीं गिरता। 2 सैम के जगह पे टैम, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। ओके, सो आई थिंक सो वी हैव क्रिएटेड अ डेटा सेट विथ अ डेटा टेबल इनसाइड इट। एंड डेटा टेबल के अंदर हम लोग ने कॉलम्स डाले, और कॉलम्स डालने के बाद उस कॉलम्स के हिसाब से, मतलब एक रो बनाया यहाँ पे उस कॉलम्स के हिसाब से, एंड देन उस कॉलम्स के अंदर हम लोग ने डेटा डाला, तो एक रो फिल करके आ गया। ऐसा हम लोग ने दूसरा रो डाला। ओके, सो इतना काम हो जाने के बाद एक काम करते यार, अभी आई एम नॉट श्योर कि यार ये सही सही चलेगा कि नहीं। ओके, एक ग्रिड व्यू लेते हैं और ग्रिड व्यू में पहला इसको दिखा देते हैं। तो बोलते हैं कि यार तेरे पास एक ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू 1 का डेटा सोर्स और कोई नहीं है, तेरा स्टूडेंट्स टेबल है। ओके, दैट्स इट। देन ग्रिड व्यू 1.data bind। ओके, सो ओह सही तो है सब कुछ, टेबल्स डाल दिया, डेटा सोर्स दे दिया, डेटा बाइंड में क्या प्रॉब्लम है। That's not an issue. Let's build it and see. It's perfect.
सो यहाँ पे एरर क्या है? अरे यार ये देखना क्या लिखा है यहाँ पे, स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडनेट। ये टाइपो एरर्स का क्या करे, इंटेलिजेंस इसका भी कुछ करना चाहिए। एक काम करोगे, सबको गलत कर दो, यही कर देता हूँ ना, इधर स्टूडनेट कर देता हूँ, तो बाकी तो गलत लिखा है सही हो ही जाएगा। ओके सो गलती छुपाने के लिए बड़ी गलती कर दी, ठीक है श्योर। तो यू नो इट कि हमारा सब कुछ सही सही दिख रहा है, मतलब डेटा इज डिस्प्लेड इन ग्रेड व्यू, तो हमारा डेटा तो बन गया है। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, शो द रिजल्ट इन डेटा बाइंडिंग्स इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी यार क्या दिखाना है इसके अंदर, शो द रिजल्ट इन डेटा बाइंडिंग एंड ड्रॉप डाउन कंट्रोल। क्या करना है जाने दो, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए इन लोग को। ओके बनाने वाला भी बहुत अजीब रहेगा, ठीक है उसको बोल देते हैं भाई जैसे यहाँ पे बाइंडिंग किया था वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वन को डेटा सोर्स दे दे। डेटा सोर्स रहेगा मेरा वही स्टूड डॉट टेबल स्टूड नेट जो गलती की थी वो। ओके देन उसके अंदर उसको बताना पड़ेगा कि तेरा डेटा का टेक्स्ट फील्ड कौन सा है। तो टेक्स्ट फील्ड क्या है हमारे पास, सपोज नेम है, तो टेक्स्ट फील्ड क्या है, नेम। ओके तो नेम कॉलम दिखाई देगा और रोल नंबर जो है वो दिखाई नहीं देगा, तो वो वैल्यू होगी ना, वो टेक्स्ट फील्ड नहीं होगी, वो क्या होगी, वैल्यू फील्ड होगी। ओके दैट्स इट। एंड देन बाइंडिंग मारना ज़रूरी है, तो डेटा बाइंडिंग तो होने ही वाला है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट डेटा बाइंड। ओके दैट्स इट। होप सो सिंपल है, प्रीवियस भी हम प्रीवियस इसमें हम लोगों ने एक्सएमएल के साथ काम किया था, सेम आप लोग यहाँ पे भी सेम वे में कर सकते हो। ओके सो बड़ा डील नहीं है, सिर्फ यहाँ पे घटिया चीज़ ये हो गया कि इन्होंने बताया नहीं था कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला था कि एक वेब पेज बनाओ, उस वेब पेज के ऊपर आपके पास सब कुछ रहेगा, सो क्रिएट अ वेब पेज कंटेनिंग अ स्टूडेंट डिटेल, और उसके अंदर शो करना है रिजल्ट इन डेटा बाइंडिंग्स एंड ग्रेड व्यू। डेटा बाइंडिंग्स को हम लोग अलग वे में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट इस हिसाब से अपन अपना आउटपुट दिखा सकते हैं। ओके तो पूरा सारा सारा चीज़ें रेडी है, ग्रिड में भी दिखा सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी दिखा सकते हो, यू कैन शो इट एनीवेयर। ओके सो डेटा बाइंडिंग्स देयर। ओके सिंपल है, कोड देखना है तो मैं सो स्लोली स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप पॉज पॉज करके देख सको। ओके okay.